Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and having fun. So this video is all about a mini vlog about my husband's birthday and a trip to Lonavala. आप ये सब balloons देख रहे हैं because आज मेरे husband का birthday और मैं उन्हीं से सारी ये जो decoration जो बची कुची है वो करवा रही हूँ. हमने रात में केक वेट कट करके फिर केक खाया. फिर उसके बाद हमें सुबह जल्दी निकलना था तो हम सो गए. फिर ये सुबह हम जल्दी उठे एकदम 5 बजे करीब और हम ट्रेन से लोनावला गए थे बिकॉज हमने सोचा कि बहुत सारा ट्रैफिक होगा मे बी बारिश की वजह से. एंड जैसे हम पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखने लगे थे. बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत ही गजब वाली बारिश हो रही थी जब हम पहुँचे. तो हमने जो प्रॉपर्टी बुक करी थी वो स्टेशन के पास ही में थी तो हमने सोचा चलो वॉक करके चलते हैं एक्सप्लोर करते हुए. और हम पूरा भीग चुके थे जबकि हमने रेनकोट वगैरह सब पहना था बट फिर भी हम पूरा भीग चुके थे. एंड बट लक बहुत सुधरा था. इट वॉज स्कैनिक और बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट, मतलब प्लीजेंट तो नहीं कहेंगे बट हाँ मतलब अच्छा वेदर था और प्रॉपर जो लोनावला फील्स वो हमें आने लगी थी पहुँचते ही साथ. तो ये है वो प्लेस जहाँ हमने अपना स्टे बुक किया था. इट इज़ अरोवा बूट्स and it is really a very beautiful property. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. तो हमने सोचा पहले सुबह सुबह हम पहुँच ही गए थे तो हमने सोचा अपना लगेज यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एंड फिर निकलते हैं घूमने के लिए. यहाँ से यहीं पर इनका रिसेप्शन एरिया है जो कि बहुत सुंदर सा था. तो हम लोगों ने यहीं पर अपना लगेज रखा और फिर हम लोग चले गए घूमने के लिए. तो हमें लोगों ने सजेस्ट करा कि पहले खंडाला जाना चाहिए तो हम लोग खंडाला के लिए निकले. तो ये है खंडाला लेक. क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम फॉगी वेदर था. बट हमने थोड़ा बहुत शूट किया यहाँ पे, देन हम निकले आगे कुछ व्यू पॉइंट्स के लिए खंडाला में ही. एंड यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, बहुत ही ज़्यादा एकदम फॉग था तो कुछ यहाँ पर कुछ दिख नहीं पाया अच्छे से. तो हमने सोचा थोड़ा वेट करना चाहिए हमें वेदर क्लियर होने का. तो तब तक हमने भुट्टा वगैरह खाया यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर किया, मज़े किए थोड़ा इधर उधर. फिर धीरे धीरे क्लियर होने लगा, थोड़े क्लाउड्स थोड़े क्लियर होने लगे तो हमें कुछ कुछ दिखने लगा. जो ब्यूटी है वेस्टर्न घाट्स की वो हमें दिखने लगी. सो इट वॉज़ रियली ब्यूटिफुल. ये यहाँ से हमको एकदम टॉप व्यू मिल रहा था हाईवे का. खंडाला में ये व्यू पॉइंट है यहाँ से. तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती कितना ज़्यादा सुंदर था ये. तो क्योंकि वेदर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो गया था तो हम वापस वो व्यू पॉइंट में गए जहाँ पहले गए थे. और अभी हमें जो वाटरफॉल्स है जो वेस्टर्न घाट में, मतलब जो वाटरफॉल्स वगैरह हैं इतने क्लियरली दिख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. तो मतलब अब लग रहा था कि हाँ वर्थ एंड लोनावला एंड खंडाला वॉज रियली रियली ब्यूटीफुल. मानसून में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है तो आप देख सकते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर कितना दिख रहा होगा बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. और इस जगह पे मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ही ज़्यादा एकदम ठंड लग रही थी. मतलब नॉर्मल तो था ही नहीं वेदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था. हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोस ली, शूटिंग की एंड देन निकल गए वापस वो खंडाला लेक के लिए. हम हर जगह रिटर्न गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब सुबह मॉर्निंग में फॉग थी तो हमें वापस जाना पड़ा. और अभी एक लेक भी थोड़ी क्लियरली दिखने लगी थी एंड थोड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी. फिर खंडाला लेक से हम लोग निकले लोनावला लेक के लिए. और ये जो हम मैंने मोस्टली इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में देखा था लोनावला में, फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट कर रही थी यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत ही प्यारी एकदम लोनावला वाइब्स आने लगी थी. सी द ब्यूटी यार, इट्स सो ब्यूटीफुल. और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे, हर जगह लोग सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे, मज़े कर रहे थे और अच्छा लग रहा था. मतलब एकदम गुड वाइब्स ही आ रही थी यहाँ पे.
थोड़ी देर ही हुई थी और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई यार यहाँ पे। फिर ना मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और संदीप का तो पापा छाते ही उड़ गया था। फिर यहाँ पे पास में एक वाटरफॉल था, शायद ये लोनावला वाटरफॉल जिसका नाम है, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। तो फिर हम यहाँ पे गए और यहाँ पे एकदम गाने वाने बज रहे थे, हमने यहाँ पे थोड़ा शूट वूट किया, ज़्यादा नहाए वाए नहीं बट हाँ ठीक है ऐसे ही मज़े किए और बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा थोड़ा सा अच्छे से शूट कर लेते हैं, हमने यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए यहाँ पे। तो ओवरऑल बहुत ही मतलब लाइक नाइस प्लेस आई वुड से, जाना चाहिए एक बार इस जगह पे आपको, मतलब थोड़ी देर आपको ऐसे टाइम मिल जाएगा शूट करने के लिए आपको करना है तो। सो ओवरऑल नाइस, और बहुत लाइक ऊपर तक लोग ट्रैकिंग करके भी जा रहे थे यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए एंड बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम पहुँचे भूशी डैम, यार क्या तो जगह है ये, पता नहीं इतना पानी है यहाँ पे, मतलब आपको अगर डैम तक पहुँचने के लिए इतने सारे पानी में से क्रॉस करना पड़ेगा, चप्पल लेकर जाना, चप्पल इज़ मैंडेटरी, चप्पल पहन के आप अच्छे से प्रॉपर ये पूरा जो रास्ता है ये क्रॉस करके जा सकते हैं। अगर नहीं भी लेकर गए तो यहाँ पे आसपास शॉप्स है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इतना ज़्यादा पानी था यहाँ पे, एकदम कमर तक पानी भरा हुआ था, हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके इतने पानी में से क्रॉस करके डैम तक गए। मैंने संदीप को बोला होल्ड माई हैंड बिकॉज डर लग रहा था यार, इतना ज़्यादा पानी था, ऐसा लग रहा था कैसे वापस आएंगे इतना प्रॉपर घूमने के बाद इसको यहाँ से। और जब हम पहुँचे माई गॉड इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग लेकिन एकदम मज़े कर रहे थे, बढ़िया इंजॉय कर रहे थे, बारिश आ रही थी अच्छे से, इतना पानी था, लोग मतलब ग्रुप, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो इस बेस्ट प्लेस, मतलब आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस सिर्फ नहाना है तो आप बिल्कुल चाहिए यहाँ पे बिकॉज। और हम दोनों एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड थे नहाने वाने में, तो हम लोगों ने बस ऐसे घूमा इसको, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो उसका क्लिक कराई, फ़ोन एकदम अंदर रख दिया था तो ज़्यादा पिक्चर्स भी नहीं है, ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है। फिर हम निकल गए टाइगर पॉइंट देखने के लिए, तो टाइगर पॉइंट पहुँच के भी हमें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि यहाँ पे भी इतना फॉग था, हमें कुछ दिखा नहीं ज़्यादा खास, थक गए थे और नींद भी बहुत आ रही थी। फिर हम होटल में गए, चेकिंग वगैरह किया और कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। ये बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी प्रॉपर्टी है, चलो आपको अब रूम टूर कराती हूँ। तो ये हमारा सुंदर सा क्यूट सा प्यारा सा रूम, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि एक ट्रैवलर को चाहिए। यहाँ पे मिरर, टीवी भी है जो कि हमने शायद ही देखी, और फिर यहाँ पे एक सारा सामान रखा हो रहा है ऐसे अरेंज करके दैट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़। तो यहाँ पे मिनी बार भी था छोटा सा एंड एवरीथिंग लाइक स्नैक्स एंड टी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मोस्टली होटल्स में होती है बट यहाँ पे ये जो मिनी बार वाला सेक्शन था ये मुझे तो कुछ नया लगा कंसेप्ट, क्या आप यूज़ कर सकते हैं देन यू कैन पे जब आप चेकआउट करेंगे तब। फिर यहाँ कर्टेन से एकदम बालकनी व्यू दिख रहा था जो कि यूजलेस ही थी बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी क्योंकि बालकनी में जाने का कोई पर्पज़ नहीं है अभी। एंड ये है वॉशरूम जो कि नॉर्मल सा ही है लाइक जैसा हर होटल में होता है, सो इसमें कुछ खास नहीं है बट या ये सब ड्रायर वगैरह दिया था, ये मिरर वगैरह दिया था। फिर हमें लग रही थी भूख तो हमने खाना ऑर्डर किया, नॉर्मल इंडियन फूड ही ऑर्डर किया था। फिर हमने खाना वाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि शाम को हमें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी जाना था। फिर शाम में हम रेस्ट करने के बाद गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, साइड में एक रिज़ॉर्ट था उसका इन हाउस रेस्टोरेंट था वाइट स्पाइस रेस्टोरेंट, तो हम वहाँ गए थे। बहुत ही ज़्यादा प्यारी और रोमांटिक सी वाइब्स थी इस रेस्टोरेंट की, लाइव म्यूज़िक चल रहा था और जो बंदा गा रहा था उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग गा रहा था वो, सो बहुत मज़ा आ रहा था। खाया हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया था बिकॉज हम दिन में इंडियन खा चुके थे और एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, सो इट वाज अमेजिंग।
उसके बाद हम वापस अपने रिजॉर्ट गए और थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए, नाइट व्यू देखा रिजॉर्ट का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी है, क्यूट सी है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी बट बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। ये स्विमिंग पूल साइड है यहाँ का और वो सामने जो देख रहे हैं ये गार्डन व्यू है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। रात में बारिश थोड़ी रुकी हुई थी तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करा जाए। फिर उसके बाद हम लोग रूम में गए क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, और थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना भी था। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। ये हमारे रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट एरिया है, हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही एकदम ऐसे रॉयल सा इनका ये जो रेस्टोरेंट है, कटलरीज भी बहुत प्यारी सी थी, और ये संदीप मेरे लिए टी लेकर आए हैं। तो मैंने पहले तो ये टी टोस्ट खाया, फिर हमने यहाँ का साउथ इंडियन वड़ा ली ट्राई की, आलू पराठा खाया, फिर हमने पोहा खाया, और कटलरीज देखिए कितनी प्यारी सी है यार, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कटलरीज यहाँ की। फिर हमने यहाँ पे वाटरमेलन और ये मिक्स फ्रूट जूस था ये भी ट्राई करा, ठीक था मतलब नाइस। फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकले और यहाँ पे जो प्लांट है साइड में इतना अच्छा लग रहा था, क्यूट सा, तो मैंने उसको भी शूट कर लिया, नाइस ना। फिर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद गए प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए वापस से डे व्यू में। बहुत ही खूबसूरत और क्लासी सी एकदम प्रॉपर्टी है, बहुत ही एकदम ऐसे ग्रीन ग्रीन है सारा तरफ। ये यहाँ की पूल साइड के लिए स्टेयर्स हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रही थी, तो जब हम गए तब क्लीनिंग वगैरह चल रही थी और हमको ऊपर वहाँ जाना था सो दैट हमको टॉप व्यू मिल सके पूरी प्रॉपर्टी का। तो फिर हमने तब तक के लिए नीचे ही शूट किया, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे, फिर हम ऊपर गए और देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ से, एकदम सारा दिख रहा है रिजॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा एकदम सुंदर सा लग रहा था। और ये संदीप बैठे हुए, मैंने इनको बोला से हाय एंड ही सेड हाय। फिर थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गई तो हमने थोड़े से बारिश के मज़े लिए, यहाँ से देखा बारिश को, पूरे रिजॉर्ट को बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। फिर हमारे चेकआउट का टाइम हो गया, हमने चेकआउट किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ की, एंड इट वॉज अमेजिंग डे, अमेजिंग ट्रिप। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए वापस पुणे के लिए। तो ये था एक मिनी व्लॉग, बताइएगा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।